न मैं पुण्य हूँ, न पाप, न सुख और न दुख, न मंत्र, न तीर्थ, न वेद, न यज्ञ, मैं न भोजन हूँ, न खाया जाने वाला हूँ और न खाने वाला हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। नमस्कार भारत, आज हम हैं गुजरात के बावका शिव मंदिर में। आदि योगी शिव के साथ करते हैं योग की उपासना। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुजरात के 75 स्थानों पर होगा योग, जुड़ेंगे लाखों लोग। आप भी योग करें, फिट रहें। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर हम इस हेरिटेज प्लेस से योग थेरेपी के लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। आज हम शिवजी के घर में हैं और उनके रूप का नाम है वीरभद्र। उन्हीं से इंस्पायर होकर करते हैं वीरभद्र आसन। इस आसन से हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है। मंदिर के पास है हिरलाव तालाब और हरियाले वृक्ष, उनको डेडिकेट करते हैं वृक्षासन। ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है और फोकस इंप्रूव करता है। भगवान शिव के गले में हम सांप यानी भुजंग को देखते हैं। भुजंग जिस तरह से अपना फन उठाता है, इस पर आधारित है भुजंगासन। ये स्पाइन को मजबूत करता है और स्ट्रेस एवं थकान से छुटकारा दिलाता है। दंडासन हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जो घर में काम करती हुई महिलाएं हैं वो घंटों तक किचन में खड़ी रहती हैं। तो ऐसे में उनके लिए कौन से योग ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे? भुजंगासन, जो कोबरा पोज, जिससे अपने पीठ के दर्द कम होते हैं, बैक बेंड होता है, अपना कमर को श्वास लेके ऊपर उठाते हैं, तो उसमें क्या उसको पीठ में आराम मिलता है। गुजरात के ट्राइबल जिले दाहोद का ये शिव मंदिर अपने समय का सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। इसी वजह से इसे गुजरात का खजुराहो भी कहा जाता है। 10th सेंचुरी के दौरान बना ये मंदिर मरु गुर्जर वास्तुकला का एक शानदार एग्जाम्पल है। चार दिशाओं में चार सहायक मंदिरों के केंद्र में बना ये मंदिर पूर्वमुखी पंचायतन है। वैसे यहां दाहोद में रतन महल भालू सेंचुरी, मानगढ़ हिल, बमरेची माता मंदिर भी है। यहां भी आए, खुश रहें, योग करें, फिट रहें। जय हिंद।